हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए गाइस, आपको सबसे पहले कंप्यूटर में कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करना होगा। जैसे कि मेरे पास गूगल क्रोम है, मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। जो प्रोसेसिंग गाइस मैं बता रहा हूँ वो प्रोसेसिंग मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो आप सेम तो जो ये प्रोसेसिंग कंप्यूटर पर बता रहा हूँ वो प्रोसेसिंग सेम आप मोबाइल पर भी कर सकते हो, कोई डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले गाइस आपको वेबसाइट एंटर करनी होगी, जिस वेबसाइट का नाम है cowin.gov.in। मैं वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे ही हम इस वेबसाइट पर जाएंगे आपके सामने कैसा पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आपको ये दिख रहा है रजिस्ट्रेशन एंड साइन इन योर सेल, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है वी विल सेंड यू वन टाइम पासवर्ड ऑन योर मोबाइल नंबर। आप यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, आपको यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपको इंतजार करना होगा कुछ सेकेंड, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ही मेरा मोबाइल नंबर पर ओटीपी, अब मैं ओटीपी एंटर कर रहा हूँ, ये ओटीपी है। जैसे ओटीपी करेंगे इसके बाद में वेरीफाइड एंड प्रोसेस पर क्लिक करना है। एक मैसेज आ रहा है, ये बोल रहा है गाइस कि एक मोबाइल नंबर से चार फैमिली मेंबर्स का अपन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना आईडी प्रूफ देना होगा। जैसे कि मेरे पास है इसमें आधार कार्ड, तो मैं अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर रहा हूँ इसमें। इसके बाद में आपको नीचे जो आपका नाम आधार कार्ड पर है बिल्कुल सेम लिखना है। इसके बाद में आपको नीचे जेंडर चूज करना होगा और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसमें सिर्फ आपको ईयर लिखना है, पूरी डेट नहीं लिखनी। इसमें सिर्फ आपको अपने ईयर, जो आपकी डेट ऑफ ईयर है वो लिखनी है, डे और मंथ नहीं लिखना। इसके बाद में ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपको नीचे रजिस्टर पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो ऊपर मैसेज आ गया, इंडिविजुअल रजिस्टर सक्सेसफुली। ये अकाउंट डिटेल आ गई है, ये अपना नाम आ गया, आधार आईडी आ गई है। अब ये नीचे ऐड मेंबर, अगर आपके फैमिली में कोई और मेंबर है तो आप यहाँ से उसको ऐड भी कर सकते हो, और अगर नहीं तो अब ये पूछ रहा गाइस डोज फर्स्ट अपॉइंटमेंट नॉट शेड्यूल, तो हमें शेड्यूल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे एक मैसेज आ गया, इसके बाद में नीचे शेड्यूल वहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, सर्च बाय पिन और सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको अपने एरिया के लोकेशन का पिन कोड पता है तो आप डायरेक्ट पिन कोड एंटर कर सकते हो। अगर एरिया के लोकेशन का पिन कोड पता नहीं है तो आप सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे मेरे एरिया का पिन कोड पता है तो मैं पिन कोड एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना है। अब गाइस यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, नो वैक्सीन सेंटर अवेलेबल फॉर बुकिंग। तो इसके लिए अब मैं सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। जैसे स्टेट, आपका जो भी स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मेरा राजस्थान, और डिस्ट्रिक्ट में सॉरी मेरा जो मैंने सेलेक्ट किया है जो भी स्टेट आपका, इसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद में सर्च पर क्लिक करना है। ऑल राइट गाइस, तो इस बार काफ़ी सारे सेंटर आ गए। अब आपको जो भी इसमें से मतलब आपके लोकेशन वाइज आपको जो भी सेंटर चूज करना है वो आप कर सकते हो, जो भी आपके आसपास वगैरह सेंटर है वो। अब इसमें गाइस एक आ रहा है कि फुल बुक आ रहा है, मतलब 3 मई को ये सारा आप देख सकते हो, सभी सेंटर पर फुल बुकड है। और अगले 4 मई के में कोई अभी तक शेड्यूल नहीं जारी किया, इन्होंने तो नॉट अवेलेबल बता रहा है। अब इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में करना है कि आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया तो आपको उस साइट को बार बार ओपन करके बस ये ध्यान रखना है कि वैक्सीन के लिए बुकिंग होना शुरू हो गई है। जैसे कि अभी यहाँ सब्जेक्ट नॉट अवेलेबल बता रहा है, तो हमें क्या करना, बार बार इनको चेक करना होगा वेबसाइट को, हर 2-3 घंटे में ओपन करके। तो जैसे ही होगी उसके बाद में बुक पर क्लिक करना होगा और अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करना होगा। तो गाइज ये सेम प्रोसेसिंग है, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप फ़ोन से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो से रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Thank you so much for watching this video, and please stay home and safe.